एक्शन मिली, कॉमेडी मिली, फैमिली ड्रामा मिली, प्यार मोहब्बत मिली, सब। तो लास्ट में मैं खुद ही रो डाली थी अभी। बहुत कोशिश की कि आंसू ना आए, लेकिन आ गया। गंगा सागर पंडा जी का ये मूवी बहुत ही अच्छा था और उनके लेखक बहुत ही अच्छे किए थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग था मूवी। जितना रुलाया उतना ही हंसाया भी। बहुत अच्छी मूवी थी, एकदम हार्ट टचिंग मूवी, मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी। मूवी तो बहुत अच्छा है, ग्राफिक्स इसका जो है मस्त, बॉलीवुड है, हॉलीवुड जैसे अच्छा लग रहा है। जितना भी मूवी है ना, सबसे बेस्ट मेरे को ये लगा। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग आ गए हैं रायगढ़ के गोपी टाकीज में, जहां पर लगा हुआ है न्यू मूवी वैदेही, जो भाई बहुत ही अच्छा मूवी बताया जा रहा था। तो मैं सोचा कि मैं भी क्यों ना भाई देखने आते हैं, क्योंकि रायगढ़ मेरे को थोड़ा सा नज़दीक पड़ता है और मूवी यहाँ पर ही लगा है, दूसरे जगह नहीं लगा है। तो मैं सोचा यहाँ आते हैं रायगढ़ और वैदेही मूवी देखते हैं और आपको रिव्यू देते हैं। तो फिलहाल मैं देख सकता हूँ ये है टिकट काउंटर, मैं आपको थोड़ा सा पास से ले जा कर दिखाऊँगा। ये देख सकते हैं, ये वाला जो आप लोग पीछे मेरे देख सकते हैं वो है भाई टिकट काउंटर, और यहाँ से आप लोग एंट्री कर सकते हो, यहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगा। तो हम लोग अभी अंदर जाने वाले हैं और अंदर का सीन आपको दिखाने वाले हैं और मूवी के बारे में भाई बाहर से आएंगे उसके बाद आपको बताएंगे। अभी फिलहाल गाइज हम लोग वैदेही मूवी के जो मेन कैरेक्टर हैं, जिन्होंने भाई भाई का रोल किया था और फ्रेंडशिप का रोल किया था, वो मेरे को भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो हम लोग अभी सर जी से बात करेंगे, उनसे पूछ कर देखेंगे कि उनको कैसा लगा और कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह हुआ, और वही बताएंगे हम लोग को मूवी के बारे में कुछ। जो नए ऑडियंस है उनको क्या है कि मूवी के बारे में अभी पता ही नहीं है कि मूवी किस टाइप का है, तो सर पहले आप बता दीजिए कि फैमिली के लिए अच्छा है कैसा मूवी, पहले ये बता दीजिए पहले। सबसे पहले जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अपमन के संगी रवि साहू। हमर मन के फिल्म आए वैदेही, जो एक नारी प्रधान फिल्म है, एक लड़की के कहानी है, एक औरत के कहानी है, जो आपके आसपास के जो कहानी है वही है। नारी प्रधान मतलब एकदम नारी प्रधान नहीं है, एमा आप मान ला एक्शन मिली, कॉमेडी मिली, फैमिली ड्रामा मिली, प्यार मोहब्बत मिली, सब चीज़ मिली। लेकिन ये चीज़ कब मिली, जब आप मन देखो। सर आपका जो मतलब फ्रेंडशिप वाला था ना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया का है, तो सर उसके बारे में आप क्या सलाह देने वाले हैं दोस्त यारों को जो फ्रेंडशिप करते हैं उनको? देखिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, किसी भी फ्रेंडशिप में एक विश्वास होना चाहिए, और वो विश्वास और वो बॉन्ड अगर आप में है तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर आपके फ्रेंडशिप को कोई हिला नहीं सकता। तो एक प्यार और एक विश्वास आपके फ्रेंडशिप में दिखनी चाहिए। सर लास्ट में जो हमारे ऑडियंस है उनको आप क्या बताना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि आइए फिल्म देखिए, अपना राय दीजिए, तभी बिना किसी के सुने या किसी बिना फिल्म देखे राय मत लीजिए। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, सभी फिल्म को, ऐसा नहीं कि मेरी फिल्म है, हमारी फिल्म है, कोई भी फिल्म अगर छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री की कोई फिल्म लेके आती है तो वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपके मनोरंजन के। आप लोग को मूवी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, एकदम सैड एंडिंग अच्छा लगा, एकदम बहुत। गंगा सागर पंडा जी का ये मूवी बहुत ही अच्छा था और उनके लेखक बहुत ही अच्छे, राइटर बहुत ही अच्छे किए थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग था मूवी। जितना रुलाया उतना ही हंसाया भी। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छी मूवी थी, एकदम हार्ट टचिंग मूवी, मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी। ये आपको मूवी कैसा लगा? बढ़िया, बहुत अच्छा था, अच्छा लगा, बेहतरीन था। छत्तीसगढ़ी पिक्चर में ना सबसे बेस्ट यही था। पूरा सैड एंडिंग करा दिया थोड़ा। नहीं अच्छा था, अच्छा बहुत बढ़िया था। ये आप लोगों को मूवी कैसी लगी? मूवी बहुत बढ़िया है, अच्छा है, और ज़्यादा इमोशनली सीन है, घर परिवार के लिए बढ़िया है देखने के लायक, बाकी बढ़िया बढ़िया फिल्म। मूवी कैसे लगा? मूवी तो बहुत अच्छा है, ग्राफिक्स इसका जो है मस्त, बॉलीवुड है, हॉलीवुड जैसे अच्छा लग रहा है, साउथ जैसे। रेटिंग तो 10 में 9-8 ऐसे, बहुत बढ़िया। अगर हिंदी में जो अगर बनता
तो बॉलीवुड जैसे एकदम मस्त लगता मूवी है ना। हाँ सैड एंडिंग तो मतलब है ठीक है मूवी के हिसाब से, सैड एंडिंग है जो है पारिवारिक टाइप से बढ़िया है, मतलब फैमिली के लिए बेस्ट। हाँ फैमिली के लिए मस्त है बस। कल आपको मूवी कैसे लगा? हैं एक नंबर फिल्म है, नए किस्म का इसको रिसर्च किया है निर्माता निर्देशक को मैं और लेखककार को हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपको मूवी कैसे लगा? बहुत अच्छा है मूवी, बहुत बढ़िया। हाँ सब बहुत बढ़िया है, इमोशनल सीन ये सब। हाँ और क्लैरिटी भी बढ़िया है। छत्तीसगढ़ी जितना भी मूवी है ना सबसे बेस्ट मेरे को ये लगा, इसका ग्राफिक्स इतना जो भी है ना सब बढ़िया। मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा था इनको, जो सर लोग हैं एक्टर लोग हैं वो सब लोग अभी जाने वाले हैं, देख सकते हो अंदर में भाई बैठ चुके हैं क्योंकि उनको लेट हो रहा है जाने के लिए, तो वही रोल कर रहे हैं। शूटिंग के टाइम ऐसे कुछ तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, फर्स्ट मूवी थी मेरी तो। हाँ मेरी पहली मूवी है, बहुत मज़ा आया था सबके साथ और बहुत अच्छा रोल मिला था इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। पूजा का कैरेक्टर बहुत प्यारा है, उसमें भाई बहन का रिश्ता बहुत खूबसूरती से दिखाया उसमें। मैं तो लास्ट में मैं खुद ही रो डाली थी अभी बहुत कोशिश की कि आंसू ना आए लेकिन आ गया। छत्तीसगढ़ी मूवी आजकल बहुत अच्छे लेवल पर पहुँच गई है और ये स्टोरी में हर एक चीज़ है, हर मसाला डाला हुआ है, आप लोग ज़रूर आना देखने। खासकर थोड़ी सी इमोशनल मूवी तो है लेकिन बहुत अच्छी स्टोरी है, आप लोग ज़रूर आइएगा सभी देखने। जी मैम थैंक यू मैम टाइम देने के लिए। देख सकते हैं मैम लोग अभी सब लोग जा रहे हैं, पहला कार निकल चुका है और ये लोग भी जा रहे हैं और देख सकते हैं बहुत सारा कार भाई यहाँ पर खड़ा हुआ है क्योंकि पूरा सब लोग आए हुए थे तो सब लोग अब जा रहे हैं, तो अब हम लोग भी चलते हैं क्योंकि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है और इसको भी बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, तो चलिए कुछ खाते हैं उसके बाद घर निकलते हैं। धन्यवाद।